एंड वेलकम टू द कोडशाला। मेरा नाम प्रतीक पांडे है और आज हम टिक टैक टो गेम बनाने जा रहे हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। तो इस टिक टैक टो डेवलपमेंट को मैंने चार वीडियोस में या चार अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड किया है। आप जब कोडशाला चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको ये वीडियोज़ लेक्चर नंबर 17 से 20 तक मिल जाएंगे। तो इन चार वीडियोस में मैंने जो सेपरेशन किया है वो इस तरह से किया है, इस गेम की जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो फर्स्ट वीडियो यानी लेक्चर नंबर 17 में कवर किया है, प्रिलिमिनरी कोडिंग यानी इस डिज़ाइन के साथ जो डिज़ाइन के कंपोनेंट्स हमने ऐड किए हैं उनके साथ आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, उनके साथ इंटरेक्शन एस्टेब्लिश करना, इस काम को हम प्रिलिमिनरी कोडिंग कह रहे हैं और इसे हमने वीडियो नंबर 2 यानी लेक्चर 18 में कवर किया है। इसके बाद जो बेसिक लॉजिक बिल्डिंग है यानी आपका विनर डिक्लेयर करना इस गेम में, कौन विनर होगा, ये वाला पार्ट हमने लॉजिक बिल्डिंग वाला लेक्चर यानी वीडियो नंबर 3 में कवर किया है। और इसके बाद जो आखिरी में कुछ चीज़ें बच जाती हैं जो टचअप्स हैं उन्हें लेफ्ट ओवर्स यानी वीडियो नंबर 4 लेक्चर 20 में कवर किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आप सभी कुछ ना कुछ सीखेंगे। जस्ट फासन योर सीट बेल्ट एंड गेट रेडी। टिक टैक टो डेवलप करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये टिक टैक टो हमें दिखेगा कैसे हमारे मोबाइल पर। तो ये एक सैम्पल एप्लीकेशन है जो मैंने थोड़ी बहुत डेवलप की है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक ये ग्रिड दिखेगी और इस ग्रिड में हम जहाँ भी अपने माउस से क्लिक करेंगे तो देखिए या तो क्रॉस आएगा या ज़ीरो आएगा। तो सपोज़ मैं प्लेयर 1 था, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर क्रॉस आया। जब प्लेयर 2 क्लिक करेगा तो ज़ीरो आएगा। सपोज़ आई एम अगेन प्लेयर 1 नाउ, अब मैं क्लिक करता हूँ तो वापस से क्रॉस आता है। प्लेयर 2 क्लिक करेगा तो ज़ीरो आएगा, प्लेयर 1 क्लिक करेगा तो वापस से क्रॉस आएगा। और जैसे ही एक सीरीज़ बन जाएगी तो आपके सामने एक टोस्ट इस तरह का जनरेट होगा, विनर इज़ प्लेयर नंबर 1। और इसके साथ में कुछ और भी फीचर्स होंगे जब हम इस एक्चुअल एप्लीकेशन को बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए जब ये गेम ख़त्म हो गया है तो इसको हमसे पूछना चाहिए इस गेम को कि क्या दोबारा कोई गेम खेलना चाहते हो, नया गेम खेलना चाहते हो या नहीं, तो उसके लिए एक बटन आना चाहिए। तो ये सारे फीचर्स हैं जो हम बाद में अपनी एप्लीकेशन में ऐड करेंगे। हाल फिलहाल एक आइडिया इससे लग गया होगा कि हमारा गेम कैसा दिखने वाला है एक मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो इसको बनाने के लिए किस तरह की ग्रिड हमें चाहिए पड़ेगी, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीचों बीच जो डिज़ाइन व्यू में आप देख पा रहे हैं, ये ग्रिड है जो मैंने बनाया हुआ है। इसी ग्रिड को बनाने के लिए एक नया लेआउट सीखना पड़ेगा जिसे कहा जाता है ग्रिड लेआउट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। तो चलिए सबसे पहले हम अपना डिज़ाइन वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो डिज़ाइन पार्ट में मेरे पास यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है, ग्रिडल सिंकिंग हो चुकी है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या लाना है, एक ग्रिड लेआउट लेकर आना है। तो ग्रिड लेआउट हमें कहाँ मिलता है, ये आपको कॉमन टेक्स्ट बटन्स में नहीं मिलेगा आपके पैलेट में, आपको ये लेगेसी पर जाना पड़ेगा और लेगेसी में आप देखोगे एक ग्रिड लेआउट व्यू मिलेगा और एक ग्रिड व्यू मिलेगा। तो हमें ये ग्रिड लेआउट चाहिए, ये ग्रिड व्यू नहीं चाहिए। तो मैं इस ग्रिड लेआउट को लेके आता हूँ, ड्रैग करके या कंस्ट्रेंट लेआउट के नीचे अपनी कंपोनेंट ट्री में ड्रॉप कर देता हूँ। और एक बार ये यहाँ पर आपको डिस्प्ले होने लगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने एट्रीब्यूट विंडो में जाना है और इस ग्रिड लेआउट का एक आईडी सेट करना है। तो यहाँ पर इसका कोई आईडी नहीं है तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ ग्रिड लेआउट। इस आईडी का, इसका आईडी भी मैं ग्रिड लेआउट ही रखता हूँ। और इसको रखने के बाद आप इसकी पोजीशनिंग कर दीजिए, ये जितने भी प्लस दिख रहे हैं इनको आप क्लिक कर दीजिए। तो अब मेरा ग्रिड लेआउट बिल्कुल कंस्ट्रेंट लेआउट के ऊपर ओवरलैप करने लगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम मुझे करना है वो ये करना है कि अपनी ग्रिड लेआउट की एक एट्रीब्यूट सेट करना है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा एट्रीब्यूट को, मुझे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट सेट करना है, राइट। तो ये बैकग्राउंड सेट करने के लिए आप यहाँ बैकग्राउंड लिखते हैं और इसके बाद यहाँ जो आपको ये राइट बटन दिख रहा है एक राइट में इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के, उसे आप क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कई सारी आपको बैकग्राउंड इमेजेस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो मुझे इमेज चाहिए वो है नहीं। कौन सी इमेज चाहिए मुझे, मुझे चाहिए वो बॉक्स चाहिए जिसके ऊपर मैं ये टिक टैक टो खेलने वाला हूँ। तो उसकी उसके लिए मुझे ये वाली इमेज या तो इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी या आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल ये जो इमेज है ये मेरे पास अवेलेबल है और मैं इन इमेजेस को जहाँ भी अवेलेबल है मेरे पास वहाँ से कॉपी करके इस रेज के ड्रॉएबल सब डायरेक्टरी में पेस्ट किए देता हूँ। और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर आपको तीन पिक्चर्स नज़र आने लगेंगी, तीन JPG फाइल, दो PNG, एक JPG फाइल। एक बॉक्स के लिए है यानी जिसके ऊपर मुझे अपना टिक टैक टो खेलना है। एक क्रॉस डॉट PNG है यानी जब हम इस गेम को खेलते हैं तो क्रॉस और ज़ीरो
अपीयर होते रहते हैं आपकी स्क्रीन पर, तो उसके लिए क्रॉस की इमेज चाहिए और एक जीरो की इमेज चाहिए। तो ये तीन इमेजेस हैं मेरे पास और यहाँ पर बैकग्राउंड में हम इसी इमेज को लेके आएंगे। अब देखिए ये तीन इमेजेस मेरे पास आने लगी, क्रॉस भी आने लगा, जीरो भी आने लगा और ये बॉक्स भी आने लगा। तो मैं इस 9 स्क्वायर वाले इस बॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये मुझे अपने ग्रिड लेआउट में शो होने लगा है। अब ये क्योंकि ये पूरा मोबाइल स्क्रीन ले रहा है, मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा मोबाइल स्क्रीन ले ये लेआउट, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ, कुछ छोटा कर देता हूँ। तो देखिए अब ये मेरा बॉक्स बिल्कुल प्रॉपर बन गया है। इसके अंदर 9 बॉक्सेस हैं, यानी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसके बाद जो मैं अगला काम करना चाहता हूँ अपने एट्रीब्यूट्स में, वो मैं क्या करना चाहता हूँ, इस ग्रिड लेआउट का एक दूसरी प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूँ, जिसका नाम होता है रो काउंट। तो लीजिए यहाँ मैं लिखता हूँ रो काउंट और ये मेरे सामने आ गई। तो कितने रो चाहिए मुझे इस अपने ग्रिड में, ग्रिड लेआउट में 3 रो चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ 3। इसी तरह से मुझे कॉलम काउंट भी सेट करना पड़ेगा इसका, तो कॉलम काउंट के लिए इस प्रॉपर्टी को सर्च किया मैंने कॉलम काउंट और यहाँ पर इसकी भी वैल्यू कर दी 3 सेट। तो अब मेरे पास एक ग्रिड लेआउट आ गया जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अब जो अगला काम मुझे करना है वो ये करना है कि इमेज व्यूज़ को लेकर, 9 इमेज व्यूज़ को लाकर इस ग्रिड लेआउट के ऊपर सेट करना है, यानी 9 अलग अलग इमेज व्यूज़ लाकर मैं इस ग्रिड लेआउट के ऊपर सेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं कॉमन में जाता हूँ और इधर से ये इमेज व्यू सिलेक्ट करके लाता हूँ और आप देखोगे ये मैंने लाकर यहाँ पर ड्रॉप करा। अब ये पूछेगा कि कौन सी इमेज चाहिए आपको, तो सैम्पल के लिए मैं एक क्रॉस इमेज ले लेता हूँ और इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि आपके पूरे के पूरे लेआउट पर ही ये इमेज इस समय आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को सेट करने के लिए, प्रॉपरली सेट करने के लिए मैं जाता हूँ अपने कोड व्यू पर। यहाँ आपको 3 व्यू दिख रहे होंगे राइट हैंड साइड में, एक डिज़ाइन व्यू, एक स्प्लिट व्यू और एक कोड व्यू, मतलब दिस राइट कॉर्नर पर थोड़ा सा नीचे 3 टैब दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर स्प्लिट पर चला जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मेरी डिज़ाइन व्यू राइट हैंड साइड पर दिख रहा है और उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग XML कोड है वो यहाँ पर लेफ्ट पर दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये एक इमेज व्यू है, तो मैं यहाँ सीधे इस इमेज व्यू वाले पोर्शन पर आ जाता हूँ कोड के। यहाँ पर इसका नाम भी बदल देता हूँ, इस इमेज व्यू को मैं इमेज व्यू 1 कह देता हूँ। इमेज व्यू 1 को कहने के साथ आप देखोगे कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सेट है, एंड्रॉयड लेआउट विड्थ इज रैप कंटेंट, यानी कि इस पूरे लेआउट की, ये जो इमेज व्यू है आपका, इसकी जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली लेंथ और हाइट दोनों ही इतनी हो गई है कि इस पूरी ये पिक्चर को कंटेन करें। तो मुझे एक्चुअली क्या करना है, ये पूरा इतना बड़ा साइज नहीं चाहिए इस इमेज व्यू का, तो मैं साइज को सेट कर देता हूँ, मान लीजिए 100 करके देखता हूँ। तो ये साइज़ मुझे ठीक लग रहा है इसकी विड्थ का, वैसे ही मैं इसकी हाइट का सेट करके देखता हूँ, वो भी 100 करने की कोशिश करता हूँ और आप देखेंगे कि ये भी कुछ कुछ ठीक है। इनका यूनिट होता है DP, यानी डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स। तो आप देखोगे कि ये विड्थ और हाइट, इट्स ओके, ये मेरे लिए ठीक से काम कर रही है। तो चलिए एक इमेज व्यू तो मेरा बन गया। इसी तरह से अब मुझे एक दूसरा इमेज व्यू भी बनाना है, तो अब मैं वापस जाके डिज़ाइन व्यू में एक एक करके इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ से इस इमेज व्यू को कॉपी किया, इसके बाद मैं इसे यहाँ पर फिर से पेस्ट कर दूंगा। तो इसका नाम था इमेज व्यू 1, इसको बदल के मैं कर दूंगा इमेज व्यू 2। तो देखिए सारी एरर अचानक से अपने आप ही गायब हो गई। लेकिन अब आप देखेंगे ये इमेज व्यू 2 तो हमें दिख ही नहीं रहा, ये तो बिल्कुल ठीक इमेज व्यू 1 के ऊपर ओवरलैप कर गया है। तो इसको ठीक करने के लिए आप यहाँ पर देखोगे ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, ऐप लेआउट कॉलम इक्वल्स टू 0 और ऐप लेआउट रो इक्वल्स टू 0। तो ये बता रहा है कि मेरे इस इमेज व्यू को इस ग्रिड में मैं कहाँ सेट करना चाह रहा हूँ। तो ये 0 0 बताता है कि मैं 0th रो और 0th कॉलम पर सेट करना चाहता हूँ। इस ग्रिड का 0th रो और 0th कॉलम कौन सा हो गया, ये पहला वाला सेल। ये दूसरा सेल ये कौन सा होगा, ये होगा 0th रो लेकिन 1st कॉलम। तो यहाँ पर मैं इसका कॉलम 1 सेट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि अपने आप ही आकर ये यहाँ पर सेट हो गया। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, इसको एक बार और कॉपी करूँगा, इसका नाम रख दूंगा इमेज व्यू 3 और इसके लिए जो रो एंड कॉलम है उनको कुछ इस तरह से सेट कर दूंगा। कॉलम तो रहेगा मेरा 2 और रो रहेगी मेरी 0। अब मैं क्या करता हूँ, बाकी 6 और मुझे इमेज व्यू सेट करने हैं, तो उनको, इन तीनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और तीनों को यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ।
तो ये हो गए अगले तीन, और इसके बाद मैं फिर से एक गैप लेता हूँ और फिर से इन तीन को पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि 9 के 9 इमेज व्यू आके बन गए हैं, हालांकि ये यहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं और कुछ एरर्स भी हैं, तो इन्हें हम फटाफट दूर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक आकर हम लोगों ने बना लिए थे इमेज व्यू 1, 2, 3, तो इसका नाम होगा इमेज व्यू 4, इसका नाम होगा इमेज व्यू 5, इसका नाम होगा इमेज व्यू 6, इसका नाम होगा इमेज व्यू 7, इसका नाम होगा इमेज व्यू 8 और इसका नाम होगा इमेज व्यू 9। इन सभी में एक चीज़ जो हमें सेट करना है वो है इनके कॉलम और रो। तो ये था कॉलम 2 रो 0, इसके बाद मुझे अब सेट करना पड़ेगा कॉलम 0 रो 1, कॉलम 1 रो 1, कॉलम 1 रो 2 एंड कॉलम 2 रो 2। तो ये हो गए 9 के 9 सेट। लेकिन अब आप देखोगे कि ये कुछ कुछ डिस्प्लेस्ड हैं, प्रॉपरली अपने बॉक्स पर फिट नहीं हो रहे हैं। तो इनको फिट करने का तरीका ये है कि हम इन्हें थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस करते रहेंगे, और यानी कि कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम सेट करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो इमेज व्यू 1 है हमारा, ये तो अपनी ठीक जगह है, इस इमेज व्यू 2 को थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। इसको हम लिखते हैं एंड्रॉयड लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन प्रॉपर्टी सेट करते हैं, मार्जिन लेफ्ट, यानी लेफ्ट से कुछ मार्जिन लेके हम इसे सेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ 20 dp। तो देखिए ये वाला जो सेकंड वाला क्रॉस था, ये थोड़ा सा एडजस्ट हो गया, सरक गया। इसी तरह से हम अपने तीसरे वाले को भी सेट करते हैं, इसकी भी ये एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन लेफ्ट 20 dp लिख देते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये भी बिल्कुल ठीक सरक गया है। तो आप देखोगे कि ये ऊपर वाले तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन नीचे वाले, अगर ये सेकंड रो वाले जो क्रॉसेस हैं ये थोड़ा सा डाउन हो जाएं, नीचे की तरफ आ जाएं, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर लगेंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये था इमेज व्यू 1, इमेज व्यू 2, इमेज व्यू 4 से एक और प्रॉपर्टी हम सेट कर देंगे यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी है हमारी इमेज व्यू 4 की एंड्रॉयड लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन टॉप। इसको मैं कर देता हूँ सेट, मान लीजिए 20 dp करके देखता हूँ, तो ये कुछ ठीक लग रहा है। चलिए इसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं ऐड अपने अगले वाले क्रॉस के लिए कर देता हूँ, ये भी ठीक हो गया। इसके अगले वाले क्रॉस के लिए कर देता हूँ और आप देखेंगे कि ये भी ठीक हो गया। अब ये क्रॉसेस ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं। अगर आपको अभी भी लगता है ये कुछ कम परफेक्ट हैं, तो जब आप लोग अपने लिए इस डिज़ाइन को डेवलप करें तो कुछ और एस्थेटिक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि ये जितने भी इमेज व्यूज़ हैं इनकी एड्रेसिंग करनी है, यानी इन इमेज व्यूज़ को मुझे पहचानना तो पड़ेगा फ्यूचर में कि किस इमेज व्यू पर यूज़र ने क्लिक किया है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है टैग, उसे सेट कर देता हूँ। तो मैं वापस यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा एट्रीब्यूट्स में प्रॉपर्टी टैग के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मिल गई, इसको मैं सेट कर देता हूँ टैग 0, यानी पहला वाला क्रॉस मेरा टैग 0 है, दूसरे वाले क्रॉस के लिए टैग 1 कर देता हूँ, तीसरे आपके इमेज व्यू के लिए जो टैग है उसे मैं 2 कर देता हूँ, चौथे के लिए 3 कर देता हूँ, पांचवे वाले के लिए जो टैग है उसे मैं 4 कर देता हूँ, छठवे वाले के लिए जो टैग है उसे मैं 5 कर देता हूँ, सेवंथ वाले के लिए जो है 6 कर देता हूँ, उसके लिए मैं इसे 7 कर देता हूँ, और आखिरी वाले के लिए इसकी टैग प्रॉपर्टी 8 कर देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा अपना, मतलब इन इमेज व्यूज़ को जो क्लिक करेंगे तो उस क्लिक के लिए एक मेथड की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उस मेथड को मैं यहाँ पर अपनी जावा के अंदर एक बना भी देता हूँ, पब्लिक वॉइड, जैसा हम अक्सर बनाते आए हैं, लोड व्यू व्यू एक बना देता हूँ, ताकि इसको सेट करने में आसानी हो। तो अब मैं यहाँ पर अब क्या करने वाला हूँ, इस इमेज व्यू के लिए टैग तो सेट किया ही मैंने, अब साथ में इनके लिए इसका ऑन क्लिक मेथड भी सेट कर देता हूँ। तो ये ऑन क्लिक पर मैं यहाँ कर देता हूँ लोड, और इसी काम को मुझे रिपीट करते जाना है हर एक के लिए, दूसरे के लिए भी लोड, तीसरे के लिए भी लोड, और इसी तरह से मैं बाकी इमेज व्यूज के लिए भी लोड को सेट करता जाऊँगा। चलिए
तो अब ये डिज़ाइन प्रिलिमिनरी डिज़ाइन ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई। अब जो एक चीज़ बची है वो ये बची है कि मुझे ये जो क्रॉस मैंने बनाए थे अपनी डिज़ाइन को तैयार करने के लिए, एक फील लाने के लिए, ताकि मैं प्रॉपरली इन इमेज व्यूज को सेट कर पाऊँ, अब मैं इन क्रॉसेस की इमेजेस को यहाँ से हटाने वाला हूँ। तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस अपने इस कोड पर जाना पड़ेगा, XML कोड पर, और ये आखिरी लाइन लिखी है ऐप SRC कॉम्पैक्ट एट द रेट ऑफ ड्रॉएबल क्रॉस, इस लाइन को मुझे डिलीट कर देना है। याद रखिए सिर्फ यहीं तक डिलीट करना है, डबल कोट तक, ये स्लैश और ग्रेटर देन का सिंबल ये मुझे नहीं डिलीट करना है। तो ये जितने भी हैं मेरे पास 9 क्रॉसेस की इमेज, उन सभी के लिए मैंने डिलीट कर दूंगा। चलिए बन के तैयार हो गया है मेरा ग्रिड व्यू। तो तैयार हो जाइए नेक्स्ट वीडियो को वॉच करने के लिए, जो कि है लेक्चर नंबर 18। थैंक यू।